तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम सोमरसेट मॉम के द्वारा लिखी गई एक ऐसी मजेदार कहानी जिसे पढ़ने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। इस कहानी का टाइटल है द लंचन। लंचन का अर्थ होता है मिड डे मील, दोपहर का भोजन। आखिर इस दोपहर के भोजन में ऐसी क्या बात हो गई कि विलियम सोमरसेट मॉम ने इस टाइटल पर एक कहानी लिख दी? तो आइए देखते हैं। एक थिएटर में प्ले के दौरान मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी बेकनिंग यानी कि हाथ से किए गए इशारे के जवाब में मैं इंटरवल में उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। काफी लंबे समय पहले मैंने उसे पिछली बार देखा था और अगर किसी ने उसके नाम का जिक्र नहीं किया होता तो शायद ही मैं उसे पहचान पाता। उसने मुझे उज्जवल रूप से संबोधित किया। हमें मिले हुए काफी साल हो चुके हैं। समय कैसे बीत जाता है। हम में से कोई भी अब पहले की तरह यंग नहीं रहा। आपको याद है जब पहली बार मैंने आपको देखा था? आपने मुझसे लंच करने को कहा था। Did I remember? क्या मुझे याद था? यह 20 साल पहले की बात है और तब मैं पेरिस में रहता था। मेरे पास लैटिन क्वार्टर में एक कब्रिस्तान में एक छोटा सा अपार्टमेंट था और मैं शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त पैसे कमा पाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं खुद को जीवित रखने के लिए मुश्किल से ही पैसों का बंदोबस्त कर पाता था। उसने मेरी एक पुस्तक पढ़ी थी और उसने उसके बारे में मुझे लेटर लिखा था। मैंने धन्यवाद कहने के लिए उसे जवाब दिया और फिर मुझे उसका दूसरा लेटर मिला। उसने लिखा था कि वह पेरिस से होकर गुजर रही है और वह मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन उसके पास समय सीमित था। उसके पास केवल अगले गुरुवार को कुछ खाली पल था। वह लग्जमबर्ग में सुबह बिता रही थी और उसके बाद मैंने उसे फोयर्स में एक छोटा सा लंच कराने की सोची। फोयर्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें फ्रांसीसी सीनेटर यानी कि ऊंची पदवी वाले लोग जिनका समाज में काफी नाम होता है, जिनके पास काफी पैसे होते हैं, वही भोजन करने वहां आते हैं। और यह मेरे साधनों से इतना परे था कि मैंने वहां जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं अपनी प्रसिद्धि से बहक गया था और मैं यह सीखने के लिए काफी छोटा था कि महिलाओं को ना कैसे कहना है। मेरे पास महीने के बाकी दिनों के लिए 80 फ्रैंक बचे थे और एक साधारण लंच में 15 से ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए थे। मैंने सोचा अगर मैं अगले 2 हफ्तों तक कॉफी नहीं पीता तो मैं काफी अच्छे से मैनेज कर लूंगा। मैंने उसके खत का जवाब देते हुए लिखा कि मैं गुरुवार को ठीक 12:30 बजे फोयर्स पर मिलूंगा। जब मैं उससे मिला तो महसूस किया कि वह उतनी भी यंग नहीं थी जितना मैं सोच रहा था और दिखने में आकर्षक तो नहीं थी पर प्रभावशाली थी। वह तकरीबन 40 साल की थी। वह बातें काफी ज्यादा करती थी, लेकिन क्योंकि उसकी बातें मेरे और मेरे काम के बारे में थी मैंने उसे ध्यान से सुनना ठीक समझा। फिर उसने कहा मैं एक चीज से ज्यादा कभी नहीं खाती। मुझे लगता है कि लोग आजकल काफी ज्यादा खाते हैं।
मैं एक छोटी सी फिश खाना पसंद करूंगी, क्या उनके पास एक सैल्मन होगी? सैल्मन एक बड़ी सी फिश होती है। तब एक नए साल की शुरुआत हो रही थी और सैल्मन का जिक्र तो मेनू कार्ड में भी नहीं था, लेकिन मैंने वेटर से उसके बारे में पूछा। वेटर ने जवाब दिया, जी हाँ, एक बेहद ही खूबसूरत सी सैल्मन हाल ही में हमारे यहां आई है। यह हमारे रेस्टोरेंट की इस साल की सबसे पहली सैल्मन है। मैंने अपने मेहमान के लिए सैल्मन का ऑर्डर दे दिया। फिर वेटर ने उससे पूछा कि जब तक सैल्मन कुक होती है तब तक क्या कुछ और लेना पसंद करेंगी? उसने कहा, नहीं, मैं एक चीज से ज्यादा कभी नहीं खाती, लेकिन आपके पास थोड़ी केवियार है? मुझे केवियार खाने में कभी एतराज नहीं होता। दोस्तों, केवियार मछलियों के अंडों से बना एक प्रकार का डिश होता है। दोस्तों, अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे पता था कि केवियार खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन मैं उसे ऐसा कह भी नहीं सकता था। मैंने वेटर को केवियार लाने को कहा। मैंने अपने लिए मेन्यू कार्ड की सबसे सस्ती चीज मंगवाई, वह था मटन चॉप। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मटन चॉप खाना एक समझदारी का काम है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना भारी भरकम चॉप खाकर काम करने की उम्मीद कैसे रख सकते हो। मैं अपने पेट को हद से ज्यादा भरने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। इसके बाद क्या पीना है, यह सवाल आ चुका था। उसने कहा, मैं दोपहर के खाने के साथ कुछ भी नहीं पीती। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं भी नहीं, सिवाय व्हाइट वाइन के। उसने ऐसे कहा मानो मैंने कुछ कहा ही ना हो। ये फ्रेंच व्हाइट वाइन कितनी हल्की होती है ना, ये पाचन के लिए बेहद अच्छी होती है। तो आप क्या पीना पसंद करोगी? मैंने मेहमान नवाजी जताते हुए पूछा, लेकिन मैं भावुक नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा और सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराई। उसने कहा, मेरे डॉक्टर ने मुझे शैंपेन के अलावा कुछ भी पीने की अनुमति नहीं दी है। मैंने महसूस किया कि मेरी घबराहट और भी बढ़ने लगी थी। मैंने आधा बोतल शैंपेन का ऑर्डर कर दिया। मैंने कैजुअल वे में कहा, मेरे डॉक्टर ने मुझे शैंपेन पीने से सख्त मना किया है। तो फिर उसने पूछा, तो तुम क्या पियोगे? मैंने कहा, पानी। अब तक वो कैवियार और सैल्मन दोनों ही खा चुकी थी। खाते खाते उसने बड़े ही आनंद से कला, साहित्य और संगीत की बातें की, पर मैं तो यह सोचकर परेशान था कि आखिर बिल कितने का आएगा। जब मेरे लिए मटन चॉप आया तो उसने मुझसे एक बेहद गहरी बात कही। मैंने ये महसूस किया है कि आपको भारी भरकम भोजन करने की आदत हो गई है। मुझे ये यकीन है कि ये बुरी आदत है। आप मेरे उदाहरण का अनुसरण करते हुए केवल एक चीज क्यों नहीं खाते? मुझे यकीन है कि ऐसा करने से आपको काफी अच्छा फील होगा। मैं बस एक ही चीज खाने वाला हूं। मैंने ये तब कहा जब वो वेटर वापस मेनू कार्ड लेकर मेरे पास आया। उसने वेटर को अपने नजदीक आने का इशारा किया और बोली, नहीं नहीं, मैं दोपहर के भोजन में कुछ भी नहीं खाती, बस एक आध टुकड़ा खा लेती हूं। मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है, पर हां, अगर कोई मेरे साथ बातें करता है तो उस दौरान मैं थोड़ा ज्यादा खा लेती हूं। मैं ज्यादा तो कुछ खा ही नहीं सकती, पर हां, अगर ये लोग मेरे लिए एस्पेरेगस ला दें तो मैं मना नहीं कर सकती। मुझे काफी बुरा लगेगा अगर मैं
पेरिस से उन्हें खाए बिना चली जाती हूँ। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने उन्हें दुकानों में देखा था और मुझे पता था कि वो काफी महंगे थे। उन्हें देखकर अक्सर मेरे मुंह में पानी आ जाया करता था, पर उन्हें खरीदने की मेरी औकात नहीं थी। मैंने वेटर से पूछा, मैडम जानना चाहती हैं कि क्या आपके पास वह बड़ा सा एस्पेरेगस है। मैंने दिल से यह प्रार्थना की कि वह वेटर उसके लिए ना कह दे, उसके लिए मना कर दे, लेकिन उसके चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा कि उनके पास इतना बड़ा एस्पेरेगस है, इतना मुलायम और स्वादिष्ट, मानो जैसे मार्वल। मेरे मेहमान ने कहा, वैसे तो मेरा पेट भर चुका है, पर अगर आप जोर देते हैं तो मैं उस एस्पेरेगस को खाने से मना नहीं कर पाऊंगी। फिर लाचारी में मैंने एस्पेरेगस भी मंगवा लिया। उसने मुझसे पूछा, आप नहीं खाएंगे? मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं एस्पेरेगस कभी नहीं खाता। हमने एस्पेरेगस के बनने का इंतजार किया। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया था। महीने के बचे हुए दिनों के लिए कितना पैसा बचेगा, अब यह सवाल नहीं था। सवाल यह था कि इतने सारे खाने का पैसा मैं अभी चुका पाऊंगा भी या नहीं। मैं सोच रहा था कि बड़े ही शर्म की बात होगी अगर पैसे कम पड़ गए और मुझे अपने मेहमान से 10 फ्रैंक्स मांगने पड़े। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दे सकता था। मुझे अच्छे से पता था कि मेरे पास कितने पैसे थे। मैंने यह मन बना लिया कि अगर खाने का बिल ज्यादा आया तो मैं अपने हाथ पॉकेट में डालूंगा और अपने पर्स के चोरी होने के लिए एक नाटकीय तरीके से रोना शुरू कर दूंगा। बेशक यह बहुत अजीब होगा यदि उसके पास भी बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हुए। तब बस एक ही रास्ता बचेगा, मैं अपनी घड़ी उनके पास गिरवी रख दूंगा और कहूंगा कि बाद में मैं आकर बिल पे करूंगा। एस्पेरेगस आ चुके थे। वे विशाल, रसीले और स्वादिष्ट थे। उन्होंने उसे इतना अच्छा बनाया था कि उसकी खुशबू से किसी को भी भूख लग जाए। मैंने देखा कि कैसे वो बेशर्म एस्पेरेगस उस महिला के गले से उतर रहा था और बटर की खुशबू मेरे नाक तक पहुंचकर मुझे ललचा रही थी, पर मैं केवल अपने मेहमान को उन्हें मुंह भर भर के खाते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर वह सारा एस्पेरेगस खा गई। मैंने कहा, कॉफी? उसने जवाब दिया, हाँ, सिर्फ एक आइसक्रीम और कॉफी। मैं चिंता मुक्त हो गया था क्योंकि मेरे मन में ऑलरेडी प्लान था कि अगर पैसे कम पड़ जाएं तो क्या करना है। तो मैंने खुद के लिए कॉफी और उसके लिए एक आइसक्रीम और कॉफी का ऑर्डर दे दिया। उसने आइसक्रीम खाते हुए कहा, आप जानते हैं कि एक चीज है जिस पे मैं पूरे दिल से विश्वास करती हूँ, एक इंसान को उतना ही खाना चाहिए कि उसे खाना खाने के बाद भी लगे कि और थोड़ा सा खाया जा सकता है। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, क्या तुम अभी भी भूखी हो? उसने जवाब दिया, ओह नहीं, मैं भूखी नहीं हूं। देखो, मैं तो दोपहर के भोजन में खाती ही नहीं। मैं सुबह में बस एक कप कॉफी पीती हूं और फिर सीधा रात को खाना खाती हूं। मैं दोपहर के भोजन में एक चीज से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाती। दरअसल मैंने जो ये बात कही थी यह आपके लिए कही थी। मैंने कहा, ओह अच्छा है। उसके बाद एक भयानक चीज हुई। जब हम कॉफी के लिए इंतजार कर रहे थे तभी
हेड वेटर एक टोकरी में पीचेज भरकर आया। वो देखने में बेहद लाजवाब थे। ऐसा लग रहा था कि उनका रंग इटली के समृद्धि को दर्शा रहा हो। उस वक्त पीचेज का सीजन नहीं था। भगवान जाने वो कितने के होंगे। कुछ देर के बाद मुझे भी पता चल गया। उसने वेटर से बातें करते हुए अचानक से एक पीच उठा लिया। उसने कहा, देखो आपने तो अपना पेट ढेर सारा मांस खाकर भर लिया है और अब आप कुछ खा ही नहीं सकते। लेकिन मैंने तो बस नाश्ता किया है, इसलिए मैं पीचेस का लुत्फ तो उठा ही सकती हूँ। फिर खाने का बिल आया। जब मैं बिल भर रहा था तो मैंने पाया कि खाने का बिल मेरे महीने के खर्चे से थोड़ा कम आया था। मेरे पास वेटर को टिप देने के लिए बहुत कम पैसे बचे थे। जो वेटर को देने के लिए मेरे पास 3 फ्रैंक्स बचे थे, उस पर भी मैडम जी का नजर पड़ा। मुझे पता था कि वो मुझे कंजूस समझ रही होगी। जब मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर आया तो मेरे सामने पूरा महीना पड़ा हुआ था और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जब अलविदा कहने के लिए हम एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तभी उसने कहा, मेरी उदाहरण का अनुसरण कीजिए। कभी भी दोपहर के भोजन में एक चीज से ज्यादा न खाया करें। मैंने जवाब दिया, मैं आपके सुझाव से भी अच्छा करूंगा, मैं रात को कुछ भी नहीं खाऊंगा। उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा, आप बड़े मजाकिया हैं, आप वाकई में एक हास्यकार हैं। लेकिन अंत में मुझे उससे बदला लेने का मौका मिल ही गया। आज उसका वजन 21 स्टोन है। 21 स्टोन लगभग 133 केजी के बराबर होता है।